स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अब हिसाब होगा हर उस गुनाह का जिसका अंजाम सिर्फ जेल है। तो आइए बिना देर किए देखते हैं क्राइम डायरी। ग्रेटर नोएडा के दादरी में पुलिस और इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान 25,000 के इनामी बदमाश इरशाद के पैर में गोली लग गई। गोली लगने से इनामी बदमाश इरशाद घायल हो गया। घायल बदमाश से पुलिस ने एक तमंचा, जिंदा कारतूस और चोरी की बाइक बरामद की है। ये डकैती के मामले में वांछित चल रहा था। घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना दादरी क्षेत्र में बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हुई है और इसमें एक बदमाश घायल हुआ जिसके पैर में गोली लगी हुई है। इसे उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। यह डकैती में वांटेड था। इसका नाम इरशाद है। डकैती में वांटेड था और ये शातिर अपराधी है। खेत में मेड़ बांधने के विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों ओर से जमकर चले लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले, जिसमें दो महिलाओं समेत चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मामला श्रावस्ती जनपद के थाना क्षेत्र इकोना के टंडवा महंत के बदौरा गांव का है, जहां दो पक्ष के साथ जमीनी विवाद चल रहा है। इस दौरान दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे ओर ईंट पत्थर भी मारे गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। हमीरपुर जिले में फिर से रिश्तों की कत्ल की सनसनीखेज वारदात में अवैध संबंधों का विरोध करने पर पति ने पत्नी की निर्मम हत्या कर दी और फरार हो गया। यहाँ ललिता देवी की उसी के पति ने सोते समय फावड़े से काट कर हत्या कर दी है और फरार हो गया है। ललिता देवी पति के अवैध संबंधों का विरोध करती थी। इसी बात पर नरेंद्र ने रात में सोते समय फावड़े और पत्थर से कुचल कर हत्या कर दी थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। महिला का जो पति है वो किसी अन्य महिला के साथ यहाँ से कानपुर चला गया था, वहीं रह रहा था। अभी कुछ दिन पहले महिला के छोटे भाई यानी अभियुक्त के साले की शादी थी, जिसमें कि वो यहाँ पे आया था और इसी बीच में महिला और उसके पति का झगड़ा हुआ और कल रात्रि में पति ने महिला की हत्या कर दी और फिर वो वहाँ से भाग गया था। घटना पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत करते हुए टीमों को लगाया गया था अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए और अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोटद्वार के नाथूपुर कुंभी चौड़ में बीए के छात्र ने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। पड़ोस के रहने वाले व्यक्ति ने खिड़की से जब युवक को पंखे से लटका हुआ देखा तो उसने इसकी सूचना परिजनों को दी, जिसके बाद सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना प्रभारी मनोज अतुड़ी ने बताया कि युवक के घर पर ही झगड़ा हुआ था, जिसके बाद युवक ने आत्महत्या की है, जिसकी जांच की जा रही है। आज रात को एक 22-23 साल के लड़के ने सुसाइड किया है, जिसका हमें पंचनामा और पीएम करवा रहे हैं। अभी तक जो संज्ञान में आया है कि उसके घर में ही उसके लिए कोई पर्सनल प्रॉब्लम थी, परिवार से उसका कोई झगड़ा हुआ था, उसकी जाँच चल रही है। काशीपुर के ग्राम बरखेड़ी में कुलदीप हत्याकांड के बाद तनाव फैला हुआ है। बीते रोज पुलिस ने खुलासा करते हुए इस हत्याकांड में गांव की एक युवती और युवक को गिरफ्तार किया था। उधर गांव में ग्रामीणों ने आरोपी के घर को निशाना बनाते हुए जमकर तोड़फोड़ कर डाली। गांव में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। इसमें बाद में जब तफ्तीश हमारे द्वारा की गई तो इसमें दो लोग उसी गांव के जिन्होंने उसकी हत्या की थी वो सामने आए। उसमें एक उसकी प्रेमिका थी जो लड़का एक्सपायर हुआ था या जिसकी डेथ हुई थी, उसकी मदद जिसने की थी अली हसन, इनको दोनों को जेल भेज दिया गया था। तो गाँव वालों में जो आक्रोश था उसके कारण से उन्होंने अली हसन के परिवार के गाय भैंसों के रहने का जो छप्पर था उसको गिरा दिया है।